गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप सबके दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक हैं। तो मैंने काफ़ी टाइम से व्लॉग अभी बीच में नहीं बनाया था, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा कंटेंट लाती हूँ जो आप सबको इंटरेस्टिंग लगे, और अगर ये इंटरेस्टिंग लगता है तो आप सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो इसकी और मैं बहुत सारी वीडियोज़ बनाऊँगी। फ़िलहाल आज मैं अपना चैलेंज कर रही हूँ, वो है फास्ट फूड फॉर 24 आवर्स। तो अभी तो फ़िलहाल 12 12 बज रहे हैं, दोपहर का टाइम तो वैसे भी हो गया, बट मैं सो के उठी हूँ अभी। तो मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं, तो फास्ट फूड में सबसे जो स्पेशल है हम सबकी वो है मैगी। तो क्योंकि मैं जो हूँ अभी मैगी बनाने लगी दो हूँ। मिनट में नहीं बनती, लेकिन सब कहते हैं दो हाँ, मिनट में। दो मिनट में तो मैगी बनती नहीं है, तो प्रूव हो ही चुका है। एटलीस्ट 12 से 15 मिनट लग जाते हैं अगर हम मुझे थोड़े और इनोवेशन से बनाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज हम ब्रेक, नॉर्मल भी बनाओगी तो 2 मिनट में नहीं हाँ तो बनेगी। शोएब यहाँ पे हैं, आज उनकी छुट्टी चल रही है, तो वो मुझे कह रहे हैं नॉर्मल भी 2 मिनट में। हाँ, वो तो पता है नहीं बनेगी बस दो खाली मिनट में। बकवास है लोगों की, 2 मिनट में मैगी। हाँ तो फिलहाल चलते हैं, फट से स्टार्ट करते हैं मैगी बनाना, फिर हम अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आज देखते हैं कि हम लंच में और इवनिंग और डिनर में क्या क्या फास्ट फूड खाते हैं, क्योंकि आज हम सिर्फ फास्ट फूड फॉर 24 आवर्स चैलेंज कर रहे हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सोचा आज मैं अपना मैगी जो है मैं रूम में ही बनाऊंगी, थोड़ी मुझे आलस आ रही है, तो मैंने इसको सेट कर दिया है। और सेट करने के बाद मैंने यहाँ पे पैन रख दिया है, मैंने नया लिया था। तो सबसे पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे स्वादानुसार स्वाद अनुसार, और जब ये ऑयल हीट हो जाएगा, मैंने सब यहाँ सेट कर लिया है, थोड़ा थोड़ा सा प्याज व्याज सब है मेरे पास। फिर हम ये जब थोड़ा हीट हो जाएगा फिर इसके बाद हम प्याज डाल देंगे, ठीक है। मैं इसमें डालने लगी हूँ अपना प्याज, ये मैंने एक ही स्लाइस काटा है। मैगी तो सबको आती है बनाने, बस मैं ये थोड़ा अपना क्या बोलते हैं वॉच आवर को बढ़ा रही हूँ। अब ये थोड़ा लाल हो जाएगा, फिर हम इसमें सारे मसाले वसाले डाल देंगे। तो अभी ये लाल होके फिर मैं आपसे ऐसे मिलती हूँ। प्याज लाल हो गया है, प्याज क्या पैन में प्याज लाल हो गया। अब मैं इसमें हल्दी डालूंगी थोड़ा सा, ये मेरा इनोवेशन है मैगी बनाने का, आपकी मर्जी आप चाहे कैसे बना लें, ठीक है। हमने थोड़ी हल्दी डाली, इससे क्या होता है ना मैगी में कलर अच्छा आता है। अब हम इसको थोड़ा सा धीमा कर देंगे और हम इसमें डालेंगे अब मैगी मसाला, ये जो हमने काट के रखा है। सब मैं आज काम नहीं करूँगी, और इस चीज़ के लिए आप मुझे प्लीज़ जज मत करिएगा, मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ। मज़ेदार सी मैगी बनेगी इसमें। मैं आप टमाटर भी डाल सकते हैं, मेरे पास टमाटर नहीं है, नहीं मैं टमाटर नहीं खाती नहीं नहीं है। टमाटर नहीं, क्योंकि टमाटर बहुत महंगे हैं ना। हाँ टमाटर तो महंगे भी हो गए हैं, टमाटर तो, ये भी बात सही है। टमाटर इतने महंगे हो गए, कंजूस टमाटर लेकर नहीं आई, ये बोल दो। नहीं, टमाटर महंगे नहीं है, महंगे हैं लेकिन हम यूज नहीं करते क्योंकि मुझे टमाटर खाना मना है, डॉक्टर ने मना किया। और यस, ये मैंने पानी इसमें रखा था, मैं वो अब इसमें डालूंगी। पानी दूसरे पतीले में करके रखे इसका। मेजर के लिए आज सारा काम यही होगा जो भी होगा, ठीक है। ये हमारा पानी यहाँ डल गया है, अब हम इसी के साथ अपना ये जो मैगी है ना, चाहे तो आप पानी बॉयल आए तब आप डाल सकते हैं, या आप इंस्टेंट घी डाल सकते हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ मैगी को गलाना होता है बस। तो ये हम दो लोग हैं, मैं और शोएब, तो यहाँ पे 2 पैकेट मैगी, मैंने बड़ा पैकेट लिया था, दिखा नहीं दिखा, ये देखो इसमें 8 पैक था, ये देखो लिखा भी है। ठीक, हटो इधर चलो, अब थोड़ा सा हम इसमें स्वाद अनुसार डालेंगे नमक, नमक और हल्का सा मिर्चा। तो मेरा ये छिड़कने वाला थोड़ा खराब हो गया है, इसलिए मैं इसे चम्मच से डाल देती हूँ, ये होता है इंडियन का देसी जुगाड़, समझे। थोड़ा तो कड़वा बनाए, बनाओ बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है। और यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा नमक,
अब हम इसको बॉयल आने तक छोड़ देंगे और हमारी मैगी जो 2 मिनट में बोला जाता है उसको हम 12 मिनट में पकाएंगे। ठीक है, अब ये पक जाती है तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। इसको ऐसे ऐसे तोड़ लेंगे। बस अब हम इसको छोड़ देंगे और इसको हम अब मांगे इसको वो हाँ प्यार रखे था ना आपने, ये रहा इधर रख दिया। मैं इसको बंद करती हूँ। मिलते हैं 12 मिनट के बाद। तो हमारी मैगी बन चुकी है, अब मैं इसको पावर ऑफ कर दूंगी और पास आके देखें मेरी मैगी का चेहरा कितना प्यारा है, प्यारा देख सकते हैं। अब हम इसको खाएंगे और खा के बताएंगे कि कैसी बनी है। बताओ इसमें खाओगे, प्लेट में खाओगे? मैं इसी तो में इसी में खाएंगे, इसी में खाएंगे। खाएंगे। चलो भैया, हम लोग बहुत आलसी हैं, हम लोग इसी में खाएंगे। तो ये है हमारा पैन मैगी ब्रेकफास्ट। बहुत अच्छी बनी है, इसको खा के मिलते हैं। तो हम लोग ब्रेकफास्ट करके, ब्रेकफास्ट के एग्जाम के साथ मतलब ये लंच ही था वो, क्योंकि मैगी काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गई थी। तो ब्रेकफास्ट और लंच हम लोग ने दोनों कर लिया है और करके इसको मैं बाहर आ गई हूँ और काफ़ी धूप में, शायद पीछे धूप भी है और बारिश भी हो रही है, समझ नहीं आ रहा मौसम कैसे, एक बार धूप आ रही है, एक बार बारिश हो रही है, एक बार छाँव आ रही है। और मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपना, ये थोड़ा मुझे बैग सिलवाना था तो मैं यहाँ पे आई हूँ। उनको दिया है बैग और सिल रहा है वो, फिर मैं बैठी हूँ, जब सिल जाएगा तो फिर हम निकलते हैं। हमें थोड़ा बहुत कुछ काम है, ये शोएब हैं और शोएब को कटवाना है बाल, तो वो बाल कटवा लेंगे, फिर हम उसके बाद जो है इवनिंग स्नैक देखते हैं कि कहाँ करते हैं। वादियों में आ गए, हर तरफ पेड़ ही पेड़। टाइम हो रहा है और मैंने सिर्फ लिया चाय क्योंकि मुझे सिर्फ चाय पीने का मन कर रहा था और अभी मैं बाहर हूँ यहाँ सैलून में, तो मैंने सिर्फ चाय ले ली है अभी। इवनिंग की चाय पी ली थी क्योंकि मैं सैलून में थी, शोएब का हेयर कट हो रहा था। और हम लोग आए हैं फेमस फास्ट फूड स्ट्रीट जो कि है चट्टोरी गली। फिर से क्या हाँ, इतना शांत हाथ क्यों हाथ में है? रिंग पहनो, देख लिया अभी पहनो अभी तो ये तो मुझे मुझे पसंद नहीं ज़्यादा, अभी इसलिए बोल रहा। अभी हाँ पहन 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 अभी पहनो, फिर बाद में पहन रहे पहन रहे पहन रहे। एक सेकेंड, तो चलते हैं देखते हैं कि क्या क्या फास्ट फूड है, क्योंकि अभी हम लोग जो खाएंगे वही खाएंगे और यही समझ लीजिए हमारा इवनिंग स्नैक्स और डिनर दोनों है। ठीक है, अब पहले पहनो। पहले हम लोग यहाँ पे मोमोज, ये वेज स्टीम मोमोज है, पहले तो मैं ये मोमोज खाने वाली हूँ। इसको मैं मोमोज अपना नहीं देने वाला हूँ, इसका पीछे से आलू ऐसे से स्प्रिंग वाला आ रहा है। चटोरी गली आओ और स्प्रिंग पोटैटो ना खाओ, ऐसा हो नहीं सकता। वो बहुत टेस्टी लगता है मुझे, तो वैसे मैंने वो भी ऑर्डर किया और मैंने वैसे भी भी दिन भर ये बक बक खाया ही करती है, क्योंकि आज हमें सिर्फ फास्ट फूड खाना है इसलिए मैं ये सब खा ली। ठीक है, और आप ही ने कहा ये चैलेंज करने को, बहुत अच्छा बना है, फट से ये खाते हैं। मोमोज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसकी फीलिंग भी बहुत अच्छी है, स्पाइसी जूसी टेस्टी, बहुत सारी वेजिटेबल्स, तो ये हेल्दी है।
और ये बहनम कुछ अलग खा रही है, फ्राई नहीं है, ये तंदूरी है। तंदूरी मतलब ऐसे ग्रिल करा हुआ है, ठीक है। और पहले जो हम लोग खाते थे वो फ्राई खाते थे, ये तंदूरी है और ये चीज़ी है, पैरी पैरी चीज़ी। ये कुछ नया है, डिफरेंट है, वो अनम खाने जा रही है। तो आज अनम ने बोला था कि हम यही सब 24 चैलेंज यही सब करेगी फास्ट फूड का, तो अनम वही फास्ट फूड खा रही है। तो इसको करते हैं फटाफट फिनिश, उसके बाद बहुत अच्छा है ना, इसको फिनिश करके मिलते हैं। अब ये क्या बोलते हैं इसको, रोलर कोस्टर आइसक्रीम, फ्रूट आइसक्रीम, जिसमें हमारा ये मैंगो है, ये पपीता, ये बनाना और ये तरबूज सब मिक्स है इसमें। तो ये मैं पहली बार ट्राई करने जा रही हूँ, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा होता है। कुछ ये ऐसी है और इसमें सारे फ्रूट्स हैं, सारे फ्रूट का टेस्ट आ रहा है और चॉकलेट ऊपर से सिरप है। कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, ठीक है। अब मैं खा के देखती हूँ। अच्छा है, सीरियसली अच्छा ही है। ये हम लोग बाहर मैंगो जो पी रहे हैं वैसे टेस्ट कर रहे हैं। इसका इसका लुक कितना प्यारा लग रहा है। तो फटाफट इसको ख़त्म करके फिर नेक्स्ट आइटम की तरफ चलते हैं। और अब नेक्स्ट ट्राई करने जा रहे हैं हम लोग ये स्प्रिंग रोल, जो कि अनम खा रही है। अनम उठाओ, मैं पहली बार खा रही हूँ। अनम पहली बार खा रही, उठाओ। गरम बहुत है। तो खाओगी कैसे, गरम है बहुत। खाएंगे जरूर। खाओ खुश। ये मिला रही है और ये खा रही है, गिरा दिया। पहले ही राउंड फ्लॉप हो गया। खाएंगे तो फिर भी। कैसा है टेस्ट? अरे यहां कल का कैसा है? जस्ट लाइक कुरकुरे मोमो। चलो फिनिश करो, उसके बाद आगे चलते हैं। हां ऐसे ही है। फाइनली मेरा एंड हो चुका है खाने का, क्योंकि मैं फुल हो चुकी हूं। आज मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया है और मैं खा रहा हूं ये। शोएब ने लिया है अपनी कुल्फी और मैंने लिया है शिकंजी, थोड़ा शिकंजी। और ये दोनों अब हम लोग अपना सेपरेट सेपरेट खा रहे हैं। ये रू अफ्जा कुल्फी, रू अफ्जा नहीं, ये फालूदा रू अफ्जा कुल्फी, दिखाओ ज़रा। हाँ, और ये मेरी शिकंजी। तो जो है अभी ये वाला जो है हम लोग हाफ ऑफ नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग अपना अपना खा रहे हैं, है ना। इसी वजह से हम लोग हाफ ऑफ कर रहे हैं। तो फाइनली हम लोग का अभी एंड हो चुका है और इसके बाद अब हम लोग रिटर्न घर के लिए चलेंगे। और ये मेरा आज का डिनर भी था, मैंने जो अपना चैलेंज रखा था आज का, वो मैंने पूरा कंप्लीट किया है। और होप सो आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को फॉलो करें और मेरे साथ बने रहें और फूड को इन्जॉय करें। अल्लाह हाफिज़।